हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सन 2015 की जैपनीज मूवी टैग को, जिसे देखने पर शुरू शुरू में लगा कि ये क्या हो रहा है, पर मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है और कंफ्यूजन भी खत्म होती जाती है। शुरू में कहानी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है जैसे मुझे लगी, तो एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना ताकि आप भी मूवी को ठीक से समझ पाओ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकन को दबा कर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही और भी मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम दो स्कूल बस को देखते हैं, जिनमें से एक में हम मिस्सू को नाम की लड़की को देखते हैं जो लिख रही होती है। लिखते देख उसकी दोस्त कहती है, क्या ये हर समय लिखती रहती हो। इस चक्कर में मिस्सू को का पेन गिर जाता है, और जैसे ही वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो दोनों बसों में बैठी सभी लड़कियां कट जाती हैं। मिस्सू को जब ऊपर उठती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। असल में इन सभी लड़कियों को हवा ने काटा होता है, जो अब मिस्सू को के पीछे पड़ जाती है। पर मिस्सू को किसी तरह से बचने की कोशिश करती है और भागती रहती है। कुछ आगे जाने पर उसे चार लड़कियां दिखती हैं, जिनसे मिस्सू को झुकने के लिए कहती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हवा इन्हें भी आधा काट कर रख देती है, पर मिस्सू को ने इनमें से एक लड़की को बचा लिया था। इस लड़की को भी समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करती लड़कियां नजर आती हैं, जिन्हें ये रोकने की कोशिश करती हैं, पर हवा इन्हें भी काट देती है, और इनके बाद फिर ये लड़की भी कटकर मारी जाती है। अब मित्सू को फिर सुनसान रोड पर भागती रहती है। इसके बाद मित्सू को जंगल में भाग जाती है। जंगलों में भागते भागते वो नदी के किनारे आती है, जहाँ पर उसे और कटी हुई लाशें मिलती हैं, जो नदी में तैर रही थी। यहीं पर पड़े कपड़ों से मित्सू को अपने कपड़े एक्सचेंज करती है और अपने चेहरे पर लगा खून साफ करती है। इसके बाद मिस्सू को फिर सीधी चलती रहती है। इसके बाद वो कुछ स्टूडेंट्स के बीच आ जाती है। इनमें से कुछ लड़के कहती हैं, तुम कैसी हो मिस्सू को। तभी मिस्सू को की बेस्ट फ्रेंड यहाँ आती है, जिसे देख मिस्सू को कहती है, क्या तुम आकी हो। यानी कि मिस्सू को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। खैर, मिस्सू को आकी से ये भी पूछती है कि क्या हम सेम स्कूल से हैं। इस पर आकी कोई जवाब नहीं देती, पर हमें ये पता है कि ये दोनों ही अलग अलग स्कूल से हैं, क्योंकि पहले जो यूनिफॉर्म मिस्सू को पहन रही थी और जो अभी सभी लड़कियां पहन रही हैं, दोनों में काफी अंतर है। अब हमें ये भी दिखता है कि आकी और मिस्सू को दोनों प्यार करती हैं, यानी कि ये लेस्बियन है। खैर, अचानक यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है, जिससे मिस्सू को डर जाती है और स्कूल में आ जाती है। आकी को कुछ समझ नहीं आता कि मिस्सू को इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। मिस्सू को आकी को बताती है कि आज सुबह मुझे एक बुरा सपना आया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को हवा ने काट कर मार दिया था। ये सुनकर आकी को अजीब लगता है, और वो मिस्सू को बताती है कि हवा रोज की तरह ही है और वो किसी को नहीं मार सकती। मिस्सू को अच्छा फील कराने के लिए आकी अपनी फ्रेंड टेको और सुर के साथ क्लास बंक करती है। तभी सामने से इनकी टीचर आती है, जिन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर ये अपने टीचर को चकमा देकर भाग जाती है, जिनसे इनकी टीचर नाराज हो जाती है। अब ये भागकर आ जाती है लेक के पास। यहाँ आकी, टेको और सुर को भी मिस्सू को के बुरे सपने के बारे में बताती है। इस पर सुर कहती है कि मिस्सू को सपना सच भी हो सकता है किसी दूसरी रियलिटी में, जैसे कि अनंत यूनिवर्स होते हैं और उन यूनिवर्स में अनंत रियलिटी। सुर इस बात का एग्जांपल लेक में एक पत्थर फेंक कर देती है, और कहती है कि मैंने इस रियलिटी में पत्थर फेंका, पर दूसरे यूनिवर्स की दूसरी रियलिटी में शायद मैंने पत्थर नहीं फेंका हो। तभी अचानक एक मगरमच्छ टेको पर अटैक कर देता है, पर यह सब नकली था। असल में सुर एग्जाम्पल दे रही होती है कि किसी दूसरी रियलिटी में टेको के साथ ऐसा हुआ होगा, पर यहाँ हमारी टेको सही सलामत है। इन्हें यहाँ जमीन पर एक बिस्तर लगा हुआ दिखता है, जिसकी तकिया उठाकर ये चारों खेलने लगते हैं। और तभी मिस्सू को दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक वेडिंग ड्रेस में थी, जिसका मतलब कि ये यहाँ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने आई थी। खैर, हम मूवी की डीप मीनिंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। बैक टू द स्टोरी। सुर मिस्सू को एक बात बताती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को धोखा देना है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा, यानी कि जिसकी उम्मीद भी ना हो। अभी अपने नेक्स्ट पीरियड तक स्कूल आ जाते हैं और अपनी अपनी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तभी मिस्सू को एक तकिया यहाँ पड़ा हुआ दिखता है, जिसे उठाने के लिए जैसे ही वो झुकती है तो इनकी टीचर सभी लड़कियों को गोलियों से भूनकर मार देती है, सिवाय मिस्सू को के। ये टीचर मिस्सू को से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। तभी सुर और टेको आकर मिस्सू को लेकर भागती है और क्लास में आकर छुप जाती है। तभी इनकी दूसरी टीचर यहाँ आती है और टेको को मार डालती है। सुर मिस्सू को लेकर भागती है, पर पीछे से इनकी टीचर सुर को भी गोली मार देती है। मरते मरते सुर मिस्सू को से कहती है कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा।
इसके बाद मिसुको और बाकी स्कूल के बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और स्कूल टीचर्स उन्हें अलग अलग टाइप की गन से मारने लगती हैं। मुश्किल से कुछ लड़कियां बचती हैं जिन्हें आखिर में हवा काट कर मार डालती है। मिसुको फिर से अकेली हो जाती है और भाग कर एक भीड़ वाले इलाके में आ जाती है। यहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी उसके स्कूल में क्या हुआ। इस पर ये पुलिस ऑफिसर अपना नाम टोमो को बताती है और कहती है कि तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रही हो, तुम्हें तो रिसेप्शन में होना चाहिए। टोमो को मिसुको को मिरर दिखाती है तो मिसुको का चेहरा बदल जाता है और टोमो को उसे केको नाम से पुकारती है। अब टोमो को केको को उसकी शादी के लिए ले जाने लगती है और आसपास की औरतें केको को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। टोमो को उसे चर्च लाती है जहां पर आकी होती है। आकी को देखकर मिसुको को तसल्ली होती है और वो उससे पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। आकी कहती है मुझे पता है पर अभी हम पर उन लोगों की नजर है। बाकी लड़कियों के जाने के बाद आकी मिसुको को बताती है कि तुम केको और मिसुको दोनों ही हो और ये तुम्हारी शादी है, घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद आकी मिसुको को उसकी वेडिंग ड्रेस पहनाती है और बाकी की लड़कियों को जो केको की वेडिंग देखने आई थी उन्हें मारने लगती है। आकी एक एक करके सभी को मारती है जिसके बाद वो मिसुको से जाने के लिए कहती है। मिसुको एक टूटी हुई बोतल को लेकर जाने लगती है जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसे उसकी शादी की बधाइयाँ देती है। लेकिन फिर अचानक से सभी मिसुको यानी केको के सामने अपने कपड़े निकालकर उसे चिढ़ाने लगती हैं। किसी तरह मिसुको कॉफिन के पास आती है जिसमें से आदमी की जगह एक सुअर निकलता है, जिसे देखकर मिसुको डर जाती है और उसी टूटी बोतल से इसे सुअर को मार डालती है। इसके बाद मिसुको बाकी लड़कियों को भी मारती है। तभी आकी यहाँ आती है और मिसुको को ले जाने लगती है, लेकिन सामने ब्लैक ड्रेस वाली दो औरतें इनका रास्ता रोकती हैं। मिसुको और आकी इन दोनों को पीट कर यहाँ से भागती हैं। बाहर आने के बाद आकी मिसुको से भागने के लिए कहती है। मिसुको भागकर दूसरी साइड आती है जहाँ उसे मिरर में दिखता है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी कुछ रेसर लड़कियाँ आती हैं और मिसुको को इजुमी नाम से पुकारती हैं। ये इजुमी से कहती हैं कि हमें रेस जीतनी होगी। इजुमी भागने लगती है जिस दौरान उसकी दोस्त उसे बताती हैं कि तुम बचपन में हर एक रेस जीतती थी और तुम भागने में बहुत तेज थी। इजुमी मोटिवेट होकर अपना सारा फोकस रेस जीतने पर लगा देती है। तभी इजुमी को टैको और सुर भी दिखती हैं। पीछे से आकी भी आती है। इसके बाद हम उस सुअर और दो ब्लैक ड्रेस वाली औरतों को देखते हैं जो इजुमी की तरफ आ रहे थे। इसके बाद ये तीनों इजुमी से ट्रैक बदलने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि तुम्हें इस दुनिया से भागना होगा। इजुमी भागकर एक अंधेरे भरी जगह आती है जहां एक लड़की इजुमी को लेकर वहां आती है जहां पर बहुत सारे स्कूल ड्रेस पहनी लड़कियां थीं और वो कहती हैं कि इजुमी हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मरना होगा। तभी आकी आकर इजुमी को बचाती है और कहती है कि इजुमी तुम्हें अपना असली नाम मिसुको पुकारना है। आकी के कहने पर इजुमी कई बार मिसुको कहती है जिसके बाद वो देखती है कि अब वो फिर से मिसुको बन गई है। इसके बाद आकी मिसुको से अपने हाथ में लगी वायर को खींचने के लिए कहती है ताकि वो मर सके, जिसके बाद मिसुको इस दुनिया से बाहर निकल सके। मिसुको के लिए ये मुश्किल था कि वो जिससे प्यार करती है उसे मारे, पर आकी के कन्विंस करने के बाद मिसुको वायर खींचती है जिसके बाद आकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें जाने पर मिसुको अपने आप को मैन वर्ल्ड यानी आदमियों की दुनिया में पाती है। यहाँ वो अपने आप को और अपने दो फॉर्म को बोर्ड पर देखती है। तभी एक आदमी यहाँ मिसुको को बताता है कि तुम फ्यूचर में हो। मिसुको बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत सी लड़कियों को दीवारों के पास खड़ा देखती है। आगे जाने पर मिसुको को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो गेम खेल रहा था, यानी कि मिसुको और उसकी दो फॉर्म को यही बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर रहा था। ये बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त गेम का कैरेक्टर हो, इसे मैंने बनाया है। असल में तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो, मैंने तुम्हारे डीएनए को बचाकर उसे तुम्हारा रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाया है। इसी तरह मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बनाया है ताकि तुम सब हमारा एंटरटेनमेंट कर सको। यहाँ मिसुको को पता चलता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बस गेम का एक हिस्सा था। ये जानकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी वो आदमी आता है जो देखने में इसी बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन लगता है। वो मिसुको से अपने पास सोने के लिए कहता है। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दो और मेरी आखिरी विश पूरी करो। इसके बाद मिसुको इस आदमी के पास लेट जाती है। तभी मिसुको को अपनी दोस्त सुर की कही बात याद आती है कि किस्मत को तभी ट्रिक किया जा सकता है जब तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड करोगे। तभी मिसुको इस आदमी का गला दबाती है और कहती है कि हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। इसके बाद मिसुको बूढ़े आदमी की छड़ी लेती है और अपने आप को मार डालती है, क्योंकि इससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे मिसुको मर जाती है और ये बूढ़ा आदमी ये देखकर चीखने लगता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बस में जब मिसुको के हाथ में से पेन गिरता है तो वो उसे उठाकर इस बार अपने आप को मार लेती है। केको भी बोतल से अपने आप को मार लेती है और इजुमी भी अपने आप को मार लेती है। अब मिसुको अपने आप को सुनसान जगह पाती है जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और मिसुको कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।
लेकिन मुझे पता है कि आपको ये मूवी समझ नहीं आई होगी, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना। पहले मैं आपको मूवी की स्ट्रेट एंडिंग के बारे में बताऊंगा और इसके बाद कुछ ऐसे सीन्स की डीप मीनिंग्स जो औरतों के साथ होती है, होमोसेक्सुअल के साथ होती है, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट एंडिंग की बात करें तो मिसुको, केको और इज़ुमी के साथ जो हुआ वो सब इस बूढ़े आदमी की वजह से हो रहा था, पर जैसे कि नॉर्मल गेम होते हैं ये वैसा गेम नहीं था। इसमें कैरेक्टर्स उन्हीं के बचे हुए डीएनए के बने थे, जिस तरह से इनमें फीलिंग्स थी जो इन्हें लीड करती हैं कि ये किसी तरह गेम से बाहर निकलें। मिसुको की दोस्त उसे रास्ता दिखाती है जिसके बाद मिसुको फाइनली गेम से बाहर निकलती है, जहां उसे गेम बनाने वाले से पता चलता है कि ये सब कुछ तो बस गेम का एक हिस्सा है। ये जानने के बाद मिसुको शॉक हो जाती है, पर हर गेम एंड होने के बाद उसे दोबारा से खेला जाता है, यानी कि मिसुको भी बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर खड़ी हो जाएगी, जिसके बाद फिर से के साथ ये सारे इंसिडेंट होंगे। पर मिसुको ने अपने पहले राउंड में ही ये जान लिया कि अगर उसे डेस्टिनी को हराना है, यानी उनकी कंट्रोल में नहीं रहना है, तो उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। ये समझ जाने के बाद मिसुको मर जाती है और किसी नोवेयर में पहुंच जाती है जहां बर्फ ही बर्फ है, और यहां वो कहती है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया, यानी कि वो अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। यहीं पर मूवी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ डीप मीनिंग्स के बारे में जो मूवी के थ्रू दिखाई गई हैं, जैसे कि मूवी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में और औरतों के शोषण की बात बताती है, इसीलिए इसमें सिर्फ औरतें ही दिखाई गई हैं, क्योंकि मूवी के नजरिए से आदमी आदमी होता है, वो चाहे गे हो या कुछ हो, इसीलिए सिर्फ फोकस औरतों और उनके लेस्बियन होने पर ही है। तो सबसे पहले मिसुको एक लेस्बियन है, इसीलिए इस तरह से दिखाया गया है कि वो अकेली ऐसी है जो पोएम लिख रही है, बाकी की लड़कियां मौज मस्ती कर रही हैं। मिसुको डिफरेंट है, इसीलिए बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, और जब सारी लड़कियां मारी जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वही चुना जो सभी चुनते हैं या चुनना चाहते हैं, पर मिसुको बच गई, यानी कि उसने वो नहीं चुना जो बाकियों ने चुना। इसीलिए आखिर में वो मिसुको से कहती है कि हम मर चुके हैं, तुम्हें भी मरना होगा, यानी कि हमने जो चुना है तुम भी वही चुनो। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये सभी लेक के पास आ गए थे, जहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ था जो उन दो लड़कियों का था। ये बिस्तर ये दर्शाता है कि जब दो लड़कियाँ समाज सोसाइटी से छुपकर शादी करती हैं तो उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, या जब दो लेस्बियन लड़कियाँ छुपकर शादी करती हैं तो उन्हें अपने रिश्ते को सोसाइटी से छुपाने के लिए ये सब करना पड़ता है। नेक्स्ट केको एक लेस्बियन होते हुए भी शादी कर रही थी, ये बात उसकी सभी दोस्त जानती थी, इसीलिए वो उसे चिढ़ाती हैं कि आखिर में तुम शादी समाज के अनुसार ही कर रही हो एक लड़के से। पर लड़के की जगह हमें सुअर इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि केको के लिए वो जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स उसके लिए नहीं है, इसीलिए केको उसे मारकर ये दर्शाते हैं कि उसे ये मंजूर नहीं। नेक्स्ट आकी मिसुको से वायर खींचने के लिए कहती है ताकि वो रियल वर्ल्ड में जा सके, तो एक तरह से आकी मिसुको से कहती है कि मेरे लिए जो तुम्हारे अंदर फीलिंग है तुम्हें उन्हें मारना होगा। मिसुको ऐसा नहीं करना चाहती, पर वो ऐसा करती है और मैन वर्ल्ड में आती है, जहां गेम बनाने वाला मिसुको को अपने यंगर वर्जन के साथ इलू इलू करता हुआ देखना चाहता था, पर मिसुको कुछ अनएक्सपेक्टेड करती है और फाइनली अपनी एंडिंग को चेंज करके गेम से बाहर आ जाती है। एंड आखिरी बात हमने ये देखी कि आदमी यानी मैन जो होते हैं वो गेम में भी औरतों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।